इस वीडियो में कुछ अपडेट्स हैं, कुछ डायरेक्शन है और कुछ प्रोबेबिलिटीज हैं। ठीक, जो हो चुका है उससे, जहाँ हो रहा है, जो कोशिश हो रही है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगले एक वीक में, 10 दिन में क्या होने की संभावना है। ठीक है, किसी भी मेरी इंफॉर्मेशन को फाइनल कंक्लूजन मत समझिए, इसको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी समझिए। हाँ, मैं इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करता हूं, मेरे पास जो वैलिड है, लेकिन उससे भी मैं, अगर कंक्लूजन मुझे दिखाई भी देते हैं तो फिर भी मैं पॉसिबिलिटी की बात करता हूं। ठीक, एक तो पुराने जो केस थे पॉजिटिव, एक खबर ये है कि रवि सिद्धू केस, जो इतना पुराना 20-22 साल का जो केस थे, जो लोग लटके हुए थे असिस्टेंट प्रोफेसर या गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन नहीं कर चुके थे, उनमें से 23 जनों को ये जो उनकी प्रक्रिया, देखिए 20-22 साल बाद अब ही क्यों पूरी हो रही है। इट मींस ये आपके लिए पॉजिटिव साइन है कि उनको अब जॉब मिल रही है, उनकी पे प्रोटेक्शन की बात की जा रही है। एक दो दिन में उनसे मैंने उनसे इंटरव्यू भी करनी है, उसका अपडेट साथ में ही डाल दूंगा। लेकिन अभी आपको सिर्फ इसलिए ये वीडियो डाल रहा हूं कि आपने अलर्ट रहना है, आगे चल के पता चलेगा अलर्ट किस लिए रहना है इन दिनों में आपको। अच्छा, इनमें से 14 जनों ने वो अपॉइंटमेंट लेटर ले भी लिए हैं, इनको स्टेशन भी मिल गए हैं, इनका कल मेडिकल होके एक दो दिन तक ये कॉलेज में टीच करने लगेंगे। ये पॉजिटिव खबर है। इससे क्या हम कंक्लूजन या निकाल से इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो लगी हुई है कि जो भी प्रोसीजर वो कर चुके हैं उन लोगों को ज्वाइन किया जा सके। जो ये तो जानते हैं कि कोड लगने वाला है 20 से 31 या जनवरी के फर्स्ट वीक तक संभावना हमें लग रही है, तो उससे पहले ये जो है आपकी ज्वाइनिंग की जा सके। लेकिन उसमें सभी की संभावना नहीं है, क्योंकि कोर्ट केस इतने, रिट्स इतनी ज्यादा लगी हुई है, इतनी डायरेक्शन से लगी हुई है, रिप्रेजेंटेशन इतनी ज्यादा है कि ये किसी को भी नहीं पता कि किसका नुकसान हो जाना है और किसको फायदा हो जाना है। अच्छा, इन फायदे या नुकसान में एक प्रोबेबिलिटी ये है, क्योंकि केस ऐसा लगा हुआ है 5 मार्क्स के बेस पर जिसका स्टे भी मिली हुई है, तो जो 5 मार्क्स जिन लोगों को मिले हैं वो कैंसिल हो सकते हैं, एक संभावना है। अगर ऐसा होता है तो नेचुरली है कि बड़ी जल्दी दोबारा लिस्ट बनेगी और लिस्ट में जो वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट हैं वो अपवर्ड आ जाएंगे। ठीक, तो उनको एकदम अलर्ट रहना चाहिए कि एक संभावना ऐसी बनी हुई है, क्योंकि जो डिस्कशन चल रही है कोर्ट में उससे एक हवा ये लगती है, एक डायरेक्शन ये लगती है कि कोर्ट को ऐसा डिसीजन लेना पड़ सकता है। तो यहाँ पर जो गेस्ट फैकल्टी वाले हैं उनको, उनके साथ जस्टिस नहीं होगा, वो इतनी देर से जॉब कर रहे हैं, इतने उन्होंने उन दिनों में उन्होंने कॉलेजेस में जाके पढ़ाया है, जब उनको जो पीटीए में से अपने सैलरी दी जाती थी और सैलरी भी इतनी होती थी कि एक फैमिली का गुजारा नहीं हो सकता, तो उन लोगों की कंट्रीब्यूशन को भूला नहीं जा सकता। लेकिन यह मैं स्टेटस बता रहा हूं जो संभावनाएं बन रही हैं, जहां जो वहां बातचीत चल रही है। ओके, तो ये मेरिट लिस्ट अगर बनती है तो आपको उसके लिए अलर्ट रहना होगा, अलर्ट इतने रहना होगा। एक केस मेरे पास ऐसा भी आया है कि उनको रात को 1:30 बजे फोन गया और उस शख्स ने कहा कि मेरे साथ कोई झूठ बोल रहा है और वो कैंडिडेट चंडीगढ़ नहीं पहुंचे। तो ये पॉसिबिलिटी है कि इतने एफर्ट किए जा रहे हैं, या ये संभावना है कि आपको रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे रात को 11 बजे भी कॉल आ सकती है। ये पॉसिबिलिटी है, ये सच केस है। अच्छा, जिनको एक और केस बनता है, जो लोग ये असिस्टेंट प्रोफेसर की या लाइब्रेरियन की, जिनको लगभग 600 के करीब या इससे प्लस अपॉइंटमेंट लेटर जिनको ऑफर किया गया था, ऑफर किया गया मतलब क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि सभी जनों ने ये रिसीव नहीं किया। किन्होंने रिसीव नहीं किया? जो ऑलरेडी जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में थे, वो बिल्कुल अपनी जगह ठीक थे। मेरे को भी कई फोन आए कि अगर तो वो ज्वाइन पिछली जॉब से रिजाइन कर दे और ये फाइनल जॉब हो ना, वो पहले से भी गए और दूसरे से भी गए, तो वो अनसर्टेनिटी में थे
उन्होंने इसको रिसीव नहीं किया, ठीक है, तो क्योंकि अभी भी अनसर्टनिटी बनी हुई है, लेकिन अगर फेवर में जाता है इन इनके, जैसे मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि इनके फेवर में जो ज्यादा प्रोसीजर जा रहा है, तो फिर इनका नुकसान होने की संभावना है, ठीक है। वैसे ये भी इनजस्टिस है कि अनक्लियर है करके क्यों पुरानी जॉब कोई इतनी मुश्किल से गवर्नमेंट जॉब मिलती है, तो क्यों कोई इतना रिस्क ले, तो ये रिस्क लेना भी एक जस्टिस नहीं है। उनको क्लियर चाहिए वो डिसीजन ले सके, तो वो डिसीजन भी नहीं ले सकते, सिलेक्शन भी हुई है डिसीजन भी नहीं ले सकते, ठीक। तो एक गवर्नमेंट जो हियरिंग चल रही है कोर्ट में, जो भी प्रोसीजर चल रहा है, जितनी भी अपडेट इंफॉर्मेशन हो रही है, गवर्नमेंट के एफर्ट ये चल रहे हैं कि जो अपॉइंटमेंट लेटर दिए जा चुके हैं उनको गवर्नमेंट अब अपना मान रही है, और सिर्फ स्टेशन या नेक्स्ट प्रोसीजर होना बाकी है, उसके लिए फुल से भी ज्यादा एफर्ट, जो एफर्ट आज तक मेरे ख्याल में पिछले 20 या पिछले जो करप्ट सिस्टम में नहीं किए गए वो एफर्ट किए जा रहे हैं, मैं इतना कह सकता हूँ, ठीक। मतलब आपके लिए कोई और युद्ध लड़ रहा है, तो नेचुरली आपकी सिलेक्शन होती है तो आपको भी पंजाब कॉलेजेस के लिए कंट्रीब्यूट अपने दिल से करना चाहिए। तो जिनको लेटर नहीं मिले हैं उनकी प्रोबेबिलिटी वीक बन रही है, क्योंकि कारण ये है क्या है कि कोड जब तक इसकी लाइन भी नजदीक, डेट भी नजदीक आती जा रही है, ठीक। तो ये भी एक संभावना ये भी है कि बाकी का प्रोसीजर थोड़ा रेपिटेशन हो जाए, लेकिन ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये डिसीजन अगर इसके बेस पर होता है तो मेरे ख्याल में फिर इनका नुकसान है और इनकी ज्वाइनिंग होगी और बाकियों के लिए अनसर्टनिटी बनी हुई है। ये अब तक जो अपडेट था, हाँ लास्ट में ये कह रहा हूं कि अलर्ट रहिए, फोन आता है डिपार्टमेंट से जो भी रिक्रूटिंग एजेंसी है तो उसको सत्य मानिए, अगर एक फेरा लगता है तो उसमें कोई वो राय नहीं है। एक जना मेरे पास केस है जो नुकसान कर चुका है, इसके अलावा अगर कोई और अपडेट होता है तो मैं आपको देता रहूंगा। गैप थोड़ा पड़ गया उसके लिए वेरी सॉरी। बाकी मेरे ख्याल में ऐसी स्थिति, ये पक्की बात है, ये कंक्लूजन है जो मैं बोलने लगा हूँ, पिछली बार भी शेयर बोला था, अब शायद ना बोलूं, कि सभी को डिसीजन नहीं मिल सकता। अब इतनी इतनी डिविजन्स हो चुकी हैं, एक को जस्टिस मिल रहा तो दूसरे को जस्टिस नहीं मिलेगा, और पूरा जस्टिस पॉसिबल ही नहीं है। अब तो इसे ये ऐसा समझिए कि ये लॉटरी वाला हिसाब हो गया है, पर आपका फर्ज है कि आप जागते रहिए, जागते रहिए। थैंक यू।